तो आज के सेकंड वीडियो में हम लोग फूरियर कोफिशिएंट्स को कैलकुलेशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फूरियर कोफिशिएंट और फूरियर सीरीज एज ए पीरियोडिक फंक्शंस को कैसे हम लोग एज ए फूरियर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने लास्ट हम लोगों ने देखा था कि इफ एक्स इज एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन देन दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ए नॉट summation r is equal to 1 to infinity ar sin r omega t dt plus summation r is equal to infinity br cos r omega t। और हम लोगों ने कहा कि a naught Fourier coefficient है, ar और br भी Fourier coefficient है। अब इस Fourier coefficients के value को हम लोग particular periods के form में कैसे calculate करेंगे इसको यहाँ पे इस video में इस lecture में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग calculate करेंगे नंबर वन इवोल्यूशन ऑफ ए नॉट। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी फ्रॉम लिमिट 0 to capital T, capital T इस function का period है, तो 0 to capital T on both side we get। अब equation 1 को हम लोग integrate करेंगे with respect to T और limit put करेंगे, lower limit put करेंगे 0 और upper limit put करेंगे capital T। So this will becomes 0 to capital T x dt is equal to a naught dt 0 to capital T plus summation r is equal to 1 to infinity ar sin r omega t dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो ये summation के आगे इंटीग्रेशन का साइन हम पुट कर दें। अब समेशन लिखे या ना लिखे इससे हम लोग का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग चूंकि इक्वेशन वन में समेशन दिया हुआ है तो इसमें समेशन यहाँ यूज करेंगे। प्लस जीरो टू टी समेशन आर इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी आर कॉस आर ओमेगा टी डी टी। सो इक्वेशन वन टेक्स द फॉर्म एज एबव। नाउ integration of sin a term sin a and cosine a in the period of 0 to capital T in the period of 0 to capital T will be 0। मतलब sin आर ओमेगा टी और कॉस आर ओमेगा टी इसका जो इंटीग्रेशन होगा विथ लिमिट जीरो टू कैपिटल टी जो होगा वो वैल्यू जीरो होगा। सो एक कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं कि कैसे ये जीरो होगा। सो ए आर तो कांस्टेंट है, समेशन ये सब तो आगे निकल जाएगा अगर हम उसको इंटीग्रेट करें जीरो से कैपिटल टी साइन आर ओमेगा टी डी टी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये साइन आर ओमेगा टी का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं होता है माइनस कॉस आर ओमेगा टी और फिर आर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा आर ओमेगा और इसमें हमको लिमिट पुट करना है जीरो से कैपिटल टी। और हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई बाय कैपिटल टी। सो ये हो जाएगा माइनस साइन को अगर हम बाहर कर ले तो ये हो जाएगा कॉस आर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर ओमेगा विथ लिमिट जीरो टू कैपिटल टी। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो कॉस आर ओमेगा की जगह पे टू पाई बाय टी स्मॉल टी के जगह पे कैपिटल टी डिवाइडेड बाई आर टू पाई बाय टी माइनस लोअर लिमिट जीरो है तो ये पूरा पूरी cos 0 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय r into 2 pi by t t कैंसिल यहां पे। अब ये sin r r जो है ये मल्टीपल है, ये हार्मोनिक टर्म्स को बता रहा है r is equal to 1 2 3 4 जो भी हो।
तो हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1, और कॉस 2 पाई, कॉस आर 2 पाई और कॉस 2 पाई इसका वैल्यू भी होगा 1. कैसे? कॉस 2 पाई दैट मींस कॉस 360 डिग्री. कॉस 360 डिग्री कैन बी रिटन एज कॉस 360 प्लस 0 डिग्री. कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, दैट इज कॉस 0 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू 1. सो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1. नीचे में तो दोनों टर्म सेम है डिनोमिनेटर. सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो इट इज माइनस 0 डिवाइडेड बाय r इनटू 2 पाई बाय t. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. यहां पे हम लिख लेंगे सिंस cos 2 पाई इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0. उसी तरह से जब हम sin r ओमेगा t को इंटीग्रेट कर लिया, cos r ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा sin cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin r ओमेगा t डिवाइडेड बाय sin r ओमेगा. फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे तो साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन होगा, साइन 2 पाई बाय टी आएगा, यहाँ पे साइन 0 आएगा. साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 2 पाई का वैल्यू होता है 0. सो इस दोनों पे इसमें दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 0. तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड द कोसाइन इन द पीरियड ऑफ 0 टू कैपिटल टी विल बी 0. सो ये टर्म और ये टर्म इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा लेते हैं. नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 0 टू कैपिटल टी एक्स डी टी इज इक्वल टू ए नॉट कॉस, बाहर निकाल लेंगे इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है कैपिटल टी डी टी, 0 प्लस 0. सो 0 टू कैपिटल टी एक्स डी टी इज इक्वल टू ए नॉट डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 टू कैपिटल टी, दैट विल बी इक्वल टू a naught upper limit minus lower limit, that is a naught t. So a naught will be equal to a naught t will be equal to 0 to capital t x dt. So a naught ka value ho jayega hamara 1 by t 0 to t x dt. Ye Fourier ka jo first coefficient hai a naught, iska value hamara find ho gaya. Isko hum maan lenge equation number 2. तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ ए नॉट. नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे एवोल्यूशन ऑफ ए आर, एंड देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ बी आर. सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए आर. फॉर दैट इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड थ्रू आउट by sin m omega t and integrated with respect to t over the limit 0 to capital T. Equation वाली हम लोगों को use करना है. So ये हो जाएगा 0 to capital T x साइन एम ओमेगा टी, पहले से आर यूज कर चुके हैं इसलिए आर यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां एम ओमेगा टी एक लिए डी टी ऑन द राइट हैंड साइड 0 टू कैपिटल टी ए नॉट साइन एम ओमेगा टी डी टी प्लस सम इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए नॉट साइन r omega t sin m omega t dt plus 0 to t summation r is equal to 1 to infinity, यहाँ पे ar होगा, br cos r omega t sin m omega t dt. फिर हम लोग को लिमिट चेक करना है कि जो पर्टिकुलर पीरियड है 0 टू कैपिटल टी में उसमें हमारा वैल्यू कहाँ कहाँ पे कैंसल आउट होगा.
इससे पहले हम लोगों ने देखा कि किसी भी साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन होता है विद द लिमिट 0 टू कैपिटल टी वो जीरो होता है। तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म राइट हैंड साइड का ए नॉट को अगर हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाले तो इंटीग्रेशन विल बी 0 टू कैपिटल टी साइन एम ओमेगा टी डीटी। तो साइन एम ओमेगा टी डीटी का इंटीग्रेशन जो ऑब्वियसली यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर देखें तो साइन आर ओमेगा टी साइन एम ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जीरो होगा, एक्सेप्ट जहां पे आर का वैल्यू अगर एम के बराबर हो जाए या एम का वैल्यू आर के बराबर हो जाए, उस केस में यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर आर ओमेगा टी। क्योंकि अगर एम और आर दोनों इक्वल हो जाए, बोथ आर इक्वल, देन ऑन दैट केस दिस इंटीग्रेशन इज ए आर साइन स्क्वायर अलग अलग है, इस दोनों का भी इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। सो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए टर्म विल बी जीरो ओवर द लिमिट साइने एंड कोसाइने टर्म्स विल बी जीरो ओवर द लिमिट जीरो टू कैपिटल टी। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम ओमेगा टी इज जीरो and the integration of term cos r omega t sin m omega t will be zero in the limit, while integration of term sin r omega t sin m omega t will be zero except when r is equal to when m is equal to r। so हमारा फॉर्म हो जाएगा therefore we have 0 to t x sin m omega t dt is equal to, ये टर्म जीरो हो गया, जीरो प्लस यहां पे हम लोग समेशन यूज कर रहे हैं कहां पे, when r is equal to m, तो ये summation sign हट जाएगा, summation बाकी टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। सो 0 टू t ar sin स्क्वायर r ओमेगा t dt एंड द लास्ट टर्म विल बी जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन यहां पे फूरियर सीरीज फूरियर थ्योरम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर बेसिक क्लियर है तो काफी इजीली सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशंस के साथ साथ फूरियर्स के साथ साथ इंटीग्रेशंस का भी कुछ टूल्स प्रॉब्लम्स को देख लें ताकि प्रॉब्लम्स हमारा यहाँ पे नहीं हो। सो ये हो जाएगा 0 टू टी एक्स साइन एम ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू ए आर जीरो टू टी साइन स्क्वायर आर ओमेगा टी डी टी। अभी यह साइन स्क्वायर आर ओमेगा टी डी टी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। सो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, बिकॉज साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कोई भी टर्म हो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है,
ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन करें, उसको हम लोग को पहले स्क्वायर को चेंज कर देना होगा उसके सिंपल एंगल में। सो यहां पे हो जाएगा ए आर वन माइनस कॉस टू आर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी डी टी, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन आर, हाफ को बाहर निकाल लेते हैं, ए आर बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे पहला टर्म वन है तो ये डी टी, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे जीरो टू टी माइनस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा साइन कॉस टू आर ओमेगा टी डी टी विथ लिमिट जीरो टू कैपिटल टी ए आर बाई टू, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा टी जीरो से कैपिटल टी माइनस कॉस का इंटीग्रेशन फिर साइन टू आर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू आर ओमेगा विथ लिमिट जीरो टू कैपिटल टी। सो ये हो जाएगा ए आर बाय टू कैपिटल टी माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी वही चीज होगा साइन टू आर ओमेगा का जगह पे टू पाई बाय टी कैपिटल टी डिवाइडेड बाय टू आर टू पाई बाय टी माइनस जीरो के साथ मल्टीप्लाई दिए पूरा जीरो हो जाएगा साइन जीरो डिवाइड बाय टू आर टू पाई बाय टी। अब हम यहां पे देखें कि ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, टू आर को हम लोग देख लें क्योंकि ये तो मल्टीपल एंगल्स है। साइन टू पाई का वैल्यू होता है साइन 360 डिग्री एंड साइन 360 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 360 प्लस जीरो डिग्री दैट इज साइन जीरो डिग्री, और साइन जीरो डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, ये जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया, दैट मींस जीरो डिवाइड बाय दिस एंड जीरो डिवाइड बाय दिस दोनों कैंसिल होकर क्या हो गया जीरो, सो ये टर्म हमारा क्या हो गया जीरो, सो दैट विल बी वी लेफ्ट विथ टू कैपिटल टी माइनस जीरो, इधर है हमारा ये इंटीग्रेशन। सो हम लोग डायरेक्टली यहां पे पुट करते हैं, यहां पे वैल्यू लेके आते हैं यहां से, सो ये हमारा वैल्यू हो गया ए आर कैपिटल टी डिवाइडेड बाई टू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए आर, फूरियर कोफिशिएंट हमारा यहां पे क्या है ए आर है, सो फूरियर कोफिशिएंट विल बी ए आर इधर आएगा तो टू बाय टी जीरो टू कैपिटल टी एक्स साइन एम ओमे, अच्छा एक कैलकुलेशन था कि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इंटीग्रेशन करने में हम लोगों ने यूज किया था कि इंटीग्रेशन जो होगा वो सभी जगह पे कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन r इज इक्वल टू m पे कैंसिल नहीं होगा। सो ये टर्म अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे r क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एज्यूम दैट व्हेन r इज इक्वल टू m द इंटीग्रेशन इज नॉट जीरो, इन दैट केस द इंटीग्रेशन इज साइन स्क्वायर आर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर आर ओमेगा टी डी टी। सो यहां पर भी आर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम लोग यहीं पे चेंज कर लेंगे, सो ये हो जाएगा आर ओमेगा टी डी टी। सो ये है हमारा फूरियर का सेकेंड कोफिशिएंट ए आर का वैल्यू, इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेंगे थ्री। अभी तक हम लोगों ने ए नॉट और ए आर का वैल्यू फाइंड करना देख लिया, सिमिलरली बी आर का वैल्यू जो फूरियर कोफिशिएंट का लास्ट कोफिशिएंट है इसको भी हम लोग फाइंड करेंगे सेम एज दैट ऑफ इक्वेशन थ्री में जो हम लोग फाइंड किए हैं दैट इज ए आर जैसे फाइंड किए हैं। सो नंबर थ्री इज इवैल्यूएशन ऑफ बी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन विथ कॉस एम ओमेगा टी ऑन बोथ साइड एंड इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी on the limit 0 to capital T, so it will be
एक्स कॉस एम ओमेगा टी डी टी जीरो टू कैपिटल टी ए नॉट कॉस एम ओमेगा टी डी टी जीरो टू कैपिटल टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी समेशन आर इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए आर साइन आर ओमेगा टी कॉस एम ओमेगा टी डी टी प्लस द लास्ट टर्म इज इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी समेशन आर इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी बी आर कॉस आर ओमेगा टी कॉस एम ओमेगा टी डी टी। नाउ जैसे हम लोगों ने पहले प्रोसीड किया वैसे सेम प्रोसीड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एंड कोसाइन ए इन द लिमिट ऑफ जीरो टू कैपिटल टी इज जीरो ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस आर ओमेगा टी कॉस एम ओमेगा टी विल ऑल्सो जीरो एक्सेप्ट व्हेन एम इज इक्वल टू आर। मतलब जब एम इज इक्वल टू आर का वैल्यू होगा तब इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर आर ओमेगा टी हो जाएगा, बाकी जगह पे इसका वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस का टर्म अलग रहेगा, इसमें भी साइन का टर्म अलग रहेगा जैसे हम लोगों ने पहले प्रीवियसली हम लोगों ने यहां पे देखा। सो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू कैपिटल टी एक्स कॉस एम ओमेगा टी डी टी, ये सिंपल कॉस ओमेगा टी है एम ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा। लेकिन यहां पे क्योंकि हम लोगों ने अब कंसीडर कर दिया है m इज इक्वल टू आर तो ये r हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा जीरो टू कैपिटल t बी आर कॉस स्क्वायर आर ओमेगा t डी टी। तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारा हो जाएगा जीरो टू कैपिटल t x कॉस आर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू बी आर बाहर निकाल लेते हैं जीरो टू कैपिटल टी कॉस स्क्वायर आर ओमेगा टी डी टी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर आर ओमेगा टी इंटीग्रेशन, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। सो वी हैव द फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। वाई यूजिंग दिस वी आर जीरो टू टी वन प्लस कॉस टू आर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू डी टी। सो इट विल बी टू को बाहर निकाल लेते हैं जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया था जीरो टू टी वन का इंटीग्रेशन टी टी से मल्टीप्लाई होकर डी टी प्लस जीरो टू कैपिटल टी कॉस टू आर ओमेगा टी डी टी। नेक्स्ट बी आर बाय टू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, सो ये हो जाएगा जीरो टू कैपिटल टी प्लस कॉस टू आर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2R ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2R ओमेगा 0 टू कैपिटल t BR बाई 2 ये हो जाएगा कैपिटल t माइनस 0 प्लस साइन का इंटीग्रेशन हम लोग कर लिया, यहां लिमिट पुट करना है तो ये हो जाएगा साइन 2R ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई t कैपिटल स्मॉल t की जगह कैपिटल t अपर लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई टू आर टू पाई बाई टी माइनस साइन
टी स्मॉल टी के जगह पे जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, साइन जीरो डिवाइडेड बाई टू आर टू पाई बाई टी, ये टी टी कैंसल आउट, ये टू आर को नेग्लेक्ट करना है, टू पाई साइन टू पाई का एग्जैक्ट वैल्यू फिर हम लोग वही फाइंड करेंगे, साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू होता है जीरो, और ये साइन जीरो डिग्री यहां पहले है, सो जीरो माइनस जीरो ये इस टर्म का वैल्यू हो जाएगा यहां पे जीरो। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, इधर हमारा है जीरो टू टी एक्स कॉस आर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा बी आर बाई टू कैपिटल टी, और ये टर्म मेरा जीरो, सो ऑटोमेटिकली ये हो गया बी आर टी डिवाइडेड बाई टू, सो बी आर का वैल्यू हो जाएगा बी आर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो टू बाई टी जीरो टू टी एक्स कॉस आर ओमेगा टी डी टी, दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ फूरियर कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर ए नॉट को हम लोग इक्वेशन नंबर टू लिए थे, ए आर को इक्वेशन नंबर थ्री लिए थे, ये इक्वेशन नंबर फोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ए नॉट का वैल्यू, ए आर का वैल्यू और बी आर का वैल्यू। अब फाइनल रिजल्ट जो हमारा फूरियर सीरीज का जो था इक्वेशन नंबर वन में, वहां पे हम लोग ए नॉट निकाल चुके हैं, ए आर निकाल चुके हैं और बी आर निकाल चुके हैं। अब इस तीनों के वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फर्स्ट हम लोग लिख लें तीनों के वैल्यू को एक एक करके। ए नॉट था हमारा वन बाई टी जीरो टू टी एक्स डी टी, ये था हमारा इक्वेशन नंबर टू था। ए आर था टू बाई टी जीरो टू टी एक्स साइन आर ओमेगा टी डी टी, और लास्ट हमारा ये इक्वेशन नंबर थ्री था। और हमारा इक्वेशन नंबर फोर है जो भी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, दिस इक्वेशन नंबर फोर जो है बी आर का वैल्यू। सो यूजिंग इक्वेशन टू थ्री एंड फोर, इन इक्वेशन वन वी हैव फाइनल रिजल्ट है ये मेरा फूरियर्स का, ए नॉट की जगह पे हम लोग लिखेंगे वन बाई टी जीरो टू टी एक्स डी टी प्लस समेशन आर इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, कॉन्स्टेंट टर्म है टू बाई टी साइन आर ओमेगा टी, और फिर इंटीग्रेशन है जीरो टू टी एक्स साइन आर ओमेगा टी डी टी। नेक्स्ट टर्म है समेशन आर इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी टू बाई टी कॉस आर ओमेगा टी जीरो टू टी एक्स कॉस आर ओमेगा टी डी टी। तो इस तरह से हम लोग सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इक्वेशन वन जो हम लोग सबसे शुरू कर रहे थे यहाँ पे डी टी का टर्म यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे डी टी गलत से ध्यान लिखा हुआ था, यहाँ डी टी नहीं होगा, बाकी आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है फूरियर सीरीज का। यहाँ पे हम लोगों ने फूरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट ए आर और बी आर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों ने लिख दिया। अब इस फूरियर सीरीज का हम लोगों ने लिमिट लिया जीरो टू टी। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर ये लिमिट हम लोग चेंज कर दें और अगर हम लोग माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें या सॉरी इंटीग्रेट करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्म कैसा चेंज करेगा, और इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट इंटीग्रल्स के कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसके लिमिट्स को चेंज करते हुए अलग अलग फॉर्म में फूरियर सीरीज को किस तरह से निकाल सकते हैं, आप कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।